ग्यारकुन प्रखंड के शिबलीबाड़ी दक्षिण पंचायत से लोकप्रिय सहज सरल व शिक्षित मुखिया प्रत्याशी चंचल देवी को प्रत्याशी क्रमांक एक सेब छाप पर मुहर लगाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे विनित पप्पू यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। रविवार दोपहर सहियाओं की एक क्लस्टर बैठक क्लस्टर हेड रीना यादव की अध्यक्षता में चिरकुंडा स्थित स्वास्थ्य केंद्र में संपन्न हुई, जहां कुमार धोबी क्लस्टर की सभी सहिया उपस्थित थीं। इस दौरान पूरे माह के काम का ब्यौरा लिया गया, साथ ही कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। क्लस्टर हेड रीना यादव ने बताया कि पूरे माह का ब्यौरा सभी सहिया से लिया गया, उनके क्षेत्र में कितनी गर्भवती महिलाएं हैं और उनके बीच जाकर मां के स्वास्थ्य का हाल के साथ साथ दवाइयां उपलब्ध कराना, साथ ही क्षेत्र में कितने मृत्यु और जन्म हुआ है उसका डाटा कलेक्ट करना और नवजात शिशु का हाल क्या है इसका पूरा ब्यौरा लेकर पीएचसी में जमा करना, साथ ही सहियाओं का वेतन का चार्ट बनाकर जमा करने जैसी बातों पर चर्चा की गई। वही यादव ने बताया कि क्षेत्र में किस प्रकार काम किया जाए इसको लेकर भी कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। हमारा बैठक होता है तो इस बैठक में सारी सहिया जो एक महीना कार्य अपने फील्ड में करती हैं उसका रिपोर्टिंग हम करते हैं और उसी रिपोर्ट के आधार पर सारी सहिया का प्रोत्साहन राशि का भुगतान के लिए हम क्लेम जमा करते हैं, सभी से लेते हैं, उसके बाद हम अपने प्रखंड बैठक में क्लेम जमा करते हैं, उसी क्लेम के आधार पर हमारी सहियाओं का पेमेंट मिलता है और रिपोर्ट में सारा रिपोर्ट होता है, जैसे कि महीना में कितना, इस महीना में कितना बच्चा को जन्म हुआ उस जन्म का रिपोर्ट लेते हैं, मृत्यु का रिपोर्ट लेते हैं और कितने बच्चा का टीकाकरण हुआ, कितना बच्चा टीकाकरण से वंचित रह गया और कितनी गर्भवती है और कितनी गर्भवती का रजिस्ट्रेशन हुआ और कितनी गर्भवती रजिस्ट्रेशन से वंचित रह गए, ये सारा रिपोर्ट लिया जाता है। धनबाद जिले के शिबलीबाड़ी मध्य पंचायत से योग्य शिक्षित कर्मठ लगनशील जुझारू मुखिया पद के प्रत्याशी प्रकाश कुमार को मत पत्र में प्रत्याशी क्रमांक तीन बल्लेबाज छाप पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनावे।